Hello, my dear friends. Today, myself, Dr. Mike from the Department of Community Medicine, Assistant Professor from Srivandam Medical College, Indore. So today we're going to discuss about National Health Policy, what is it is related beyond, and what is it. So हम जो आज National Policy Health का देखने वाले हैं वो 2002 का है context में, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारी amendments किए धीरे धीरे time to time. तो let's see. Introduction. The policy is a system which provides the logical framework and rationality of the decision making for the achievement of intended objects. It is a statement that guides and provides discrimination within the limited boundaries. जो कि limited boundaries के अंदर होना चाहिए, ये उसके ऊपर काम करता है basically. और policy कहते हैं किसको है? Policy is a system which provides logical framework. जो सोचा हुआ एक फ्रेमवर्क है जिसमें कि हम डिसीजन मेकिंग करते हैं. किस लिए करते हैं? ताकि हम एक अचीव कर पाएं अपने इंटेंडेड गोल्स को, जो ऑब्जेक्टिव है आपका उसको हम लोग फुलफिल कर पाएं. तो बेसिकली पॉलिसीज आर द सेट ऑफ प्रायोरिटीज एंड गाइड. जो आपका प्रायोरिटी है और उसका गाइड बुक जो बनाते हैं, जो रिसोर्स एलोकेट करता है आपको, ये पॉलिसी उसी को कॉम्प्रोमाइज करता कॉम्प्रोमाइज ऑफ होता है. तो बेसिकली पब्लिक हेल्थ पॉलिसी इंप्रूव्स कंडीशन अंडर विच द पीपल लीव secure, safe, adequate and sustainable livelihood. जिसमें कि हम लोग environment से जुड़े चीज़ को देखते हैं, information, communication को देखते हैं, education को देखते हैं and nutrition को देखते हैं. So basically जो हम लोग components जो study out करते हैं उसके अंदर रहता क्या है? Housing का रहता है, information, communication रहता है, education रहता है, child care रहता है, nutrition रहता है, reproductive health रहता है and transportation with the necessary community and personal social health services. Okay, so these are the things which you need to understand and learn while we are talking about. Now, the thing is that in a continuation of this, first national health policy was formulated in 1983, and since then there has been marked changes in and the determinant factor relating to the health sector. There is still significant burden of communicable disease. For example, के तौर पे हम देखते हैं, we have malaria resurgence, ठीक है, insecticides resistant malaria, जैसे कि malaria के लिए आपने drug बनाया, malaria के लिए आपने बहुत सारे काम किए, फिर भी malaria spread हो ही रहा है, खत्म तो हो नहीं रहा है, ठीक है. TB के लिए आपने drug तैयार किया, तो multi-resistant drug TB हो गया. So इस तरह से जो धीरे धीरे disease का prevalence, जो disease का demographic shift दिखता रहा विद इन रिगार्ड टू द नेशनल हेल्थ पॉलिसी जहाँ पे आपने काम किया, तो ये एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है एक नॉर्मल लॉजिकल ह्यूमन बींग के सिनेरियो में. एच आई वी और एड्स का इमरजेंस विद नो थेरेपेटिक कर्व और वैक्सीन अवेलेबल, द कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज इन्फेक्शन गैस्ट्रोएंटेराइटिस अभी भी होता है बहुत जगह पे, कॉलेरा एंड सम फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस. सो दीज आर द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड लर्न वॉट वी आर टॉकिंग इन रेस्पेक्ट. तो हेल्थ पॉलिसी क्यों बनाया गया? इन सबको देखते हुए, इन सबके मद्देनजर देखते हुए हमने इसको डेवलप किया धीरे धीरे. बिसाइड द डिजीज देयर इज एन इंक्रीज इन मोर्टेलिटी. सो लाइफ स्टाइल डिजीज लाइक डायबिटीज, जो मैं अभी वर्ड बोल रहा था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो डिजीज के संदर्भ में हम बात करते हैं, पहले लोगों में जो डिजीज होती थी अब आज की तारीख में वो डिजीज नहीं होती है. सच एज एग्जाम्पल के तौर पर, पहले लोग किस चीज से बीमार होते थे, किस चीज से तकलीफ में रहते थे? बुखार, सर्दी, ठीक है, लोग इससे पीड़ित रहते थे. अब जब से लोग का लाइफस्टाइल चेंज होते गया, एक काम करने तरीका बढ़ गया, एक स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, तो हमारे पास क्या आ गया? डायबिटीज आ गया, हाइपरटेंशन आ गया, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज आ गए, जहां पे हमें फोकस करना पड़ रहा था. ओके, द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज द हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट फॉर जेरियाट्रिक पॉपुलेशन. सिमिलरली इंक्रीजिंग द बर्डन ऑफ ट्रॉमा केसेस इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम. सो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो हेल्थ प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं बेसिकली ये कहाँ कहाँ अफेक्ट कर रहा है आपको. एक जो डिजीज का ट्रांजिशन इफेक्ट आपने देखा फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज टू द नॉन कम्युनिकेबल पार्ट, जो हमने यहाँ से ट्रांजिशन देखा, जो ट्रांजिशन फील किया हमने अभी तक में, इसके ऊपर हम लोगों ने हेल्थ पॉलिसी का निर्माण किया बेसिकली. Now, in National Health Policy 1983 में हम बात करेंगे, a very ambitious and holistic goal था, was to set to achieve health by all the year 2080 through the universal provision of comprehensive primary healthcare services.
Due to various reasons, National Health Policy 1983 was unable to achieve its goal and objective. So these are the main things जो आपको समझना पड़ेगा, जो हमने face किया, जो हमने bear किया basically. Now, scenario before the National Health Policy 2002, जो हम बात कर रहे हैं आज National Health Policy 2002 के बारे में, 2002 के बारे में, इसके पहले का scenario क्या था और अब क्या है 2002 के बाद का scenario, वो हम discuss कर लेते फटाफट. The public health investment in the country over the year has been comparatively low and declining from 1.3% in 1990 to 0.9% in 1999. Okay, the state expenditure has been declined. जो state का खर्चा था आपका, वो कम हुआ है 7% to 5%. ठीक है. The current annual per capita public health expenditure in the country is not more than rupees 200. तो ये एक आपके लिए achievable goal है, जो आपने achieve किया एक समय के साथ. There is a wide gap in the achievement of various health indices by urban and rural areas of the various states. Water supply, sanitation facilities, availability of electricity and many other services are lacking in rural India. ठीक है, तो water supply, sanitation जो है, water supply facility, sanitation facility, availability of electricity and many other services जो कि rural area, गांव के area में lack कर रहा था, उसको हम लोगों ने cover up किया. So it's a very good part, it's a appreciable part. ये आप appreciate कर सकते हो कि national health policy आने के बाद धीरे धीरे कैसे कैसे change आया और क्या क्या मिला. ठीक है. Policy and strategy of a government regarding health delivery is mainly favoring vertical approach. एक horizontal approach होता है, एक vertical approach होता है. तो which delivers mainly favoring the vertical approach, सीधे आगे बढ़ रहे हैं, which is very expensive and difficult to sustain. अब जब आप वर्टिकल अप्रोच सीधे जा रहे हैं, बात समझिए, तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रेशर्स यू नीड टू फील, यू नीड टू फेस, तो उसको भी हम काउंटर पार्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है. देयर वाज शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेज एट ऑल लेवल ऑफ सर्विसेज. जो हमारा थ्री टायर हेल्थ सिस्टम है, वहां पे हर जगह रिसोर्स की कमी हो गई, मैन पावर की कमी हो गई, क्योंकि हम एक बेटर चीज प्रोवाइड करने के चक्कर में एक्सपेंड करते चले गए. Powers are not given to the local cell government at district and the village level for effective operation of health services. There is uneven distribution of medical, dental, nursing colleges, and same is true with the quality of education. जो हम education quality की देखते हैं, जो हम आज के तारीख में पहले के response में understand करते हैं, जो comparison करते हैं, तो काफी हद तक हम लोग advancement पे आ चुके हैं. There is a little scope for the career development, the super specialty in some professions. Similarly, public health, family medicine and health research have got low priority. अब ये बहुत ही दुख की बात है कि भैया जो public health, family medicine and health research वाला जो topic है, उसको low priority मिल गया एक समय के बाद. कुछ चीज़ें में super specialization आ गए कि हमने specifically जैसे gastro के बारे में आपने DM किया, तो आप सीधे बस गैस्ट्रो के कैसे ही देख रहे हैं. तो जिनको भी पेट दर्द होता है, जो इलाइट क्लास है, वो तो सीधे DM गैस्ट्रो के पास जाते हैं. MD को भी क्रॉस करके अब DM के पास जाते हैं लोग. ओके, सो दीज आर अ थिंग विच हिंडर्स हम हाउ वेयर वी आर लिविंग राइट नाउ. ओके, मेजर कंसर्न्स जो हम लोग को देखना है इसमें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अर्बनाइजेशन है, अर्बन हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिक्रीजिंग सेक्स रेशियो, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड हर हेल्थ प्रॉब्लम्स, increasing prevalence of mental disorder, escalating cost of healthcare, inadequate health statistics, poor IEC, networking and digital surveillance system and 35% of illiterate population. जो आपके साथ ये सब burden carry on हो रहा है. जो हम बात कर रहे थे पहले, वो था आपका major concerns. अब हम बात कर रहे हैं major challenges के बारे में. आपको challenges क्या आएगा? Increasing budget allocation, stabilization population, population involvement of private sector in second and third healthcare setup, participation of civil society in health effectiveness, establishing ethical code of conduct among the profession. कि भैया अब जो patient आया है, आप उसको उस treatment करके, उसको relief पहुंचा के आपको घर छोड़ दो, बजाय 10 जगह पैथ का या CT scan MRI का, यहाँ चक्कर यदि नहीं कटवाना है, यदि उसके लाजमी नहीं है, तो आप उसको prefer मत कीजिए, उसको मत भेजिए आप अपने कट के लिए, कि भैया मैं इनको रेफर कर दूंगा तो यहाँ तो मेरा कट आ जाएगा. सो रेफरिंग इज लीस्ट नीडेड नाउअडेज. इफ यू आर वेरी वेल ट्रेन्ड इन दोस एरियाज, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर टेन्योर, सो दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन गो विद इट. नाउ रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन पैरामेडिकल डिसिप्लिन्स, असेसिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन हेल्थ सेक्टर,
ग्रोइंग इंटरेस्ट जहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द यूजर फ्रॉम ओवरसीज, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, जनरेटिंग मार्केट फॉर अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आपके पास आयुष है, यूनानी है, होम्योपैथ है, तो इनके लिए भी एक मार्केट जनरेट किया आपने अल्टरनेटिवली। इंटरसेक्टोरियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, अभी कोविड के सिनेरियो में हर जगह से लोग हेल्प कर रहे हैं, तो हर सेक्टर के लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, तो एक इट्स द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड राइट नाउ। नाउ व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, एक सरसरी निगाह ऑब्जेक्टिव के ऊपर देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, टू अचीव एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ अमंगस्ट द जनरल पॉपुलेशन द कंट्री, to increase access to the decentralized public health system by establishing new infrastructure in deficit areas, to ensure more equitable access to health services across the social and geographical expanse of the country, to increase aggregate public health investment, jo aapka public health investment usko aggregate kiya aapne, through a sustainable increased contribution by the central government, to strengthen the capacity of public health administration at a state level to render effective service delivery, to enhance contribution of the private sector in providing health services for population group which can afford to pay for the services. भैया आपने एक services 10,000 की रखी, तो normal आदमी तो कुछ ले पाएगी, दे नहीं पाएगा आपका health services. Suppose अभी CT scan MRI का rate हर जगह 7,000-8,000 रुपए का. Somehow central government को, state government को intervene करना पड़ा और उसको हमने रोका 2,500-3,000 तक, जो कि affordable fees होती है जहाँ तक public एक pay कर पाए, ठीक है। टू रेशनलाइज यूज ऑफ ड्रग विद इन द एलोपैथी सिस्टम, टू इंक्रीज द एसेस ऑफ ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो ये जो हमने देखा अभी, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव हमें फुलफिल करना है अपने कमिंग नेशनल हेल्थ पॉलिसीज में, ये धीरे धीरे एडवांसमेंट हमें अचीव करना है, जो हमने पहले 1983 और 2002 में जो अंतर देखा हमने वो तो हमने बात कर ली, मगर अब इसको आगे कंटिन्यू कैसे करना है ये उनके शॉर्ट स्टेप्स टारगेट हैं, ठीक है। अब हम बात करें गोल्स टू अचीव बाय 2015 में हमें देखने को क्या मिला था, इंटैक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फ्रॉम रेगुलेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स इन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन। 2005 की बात करें तो हमने यहाँ पे इरेडिकेट किया था पोलियोमेलाइटिस एंड यॉर्स को, एलिमिनेट किया था लेप्रसी को, एस्टेब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ सर्वेलेंस जहाँ पे हम लोग ट्रायल एंड टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं पेशेंट्स के बारे में, इंक्रीज स्टेट सेक्टर हेल्थ स्पेंडिंग फ्रॉम 5.5% to 7% ऑफ द बजट। अब हेल्थ सेक्टर का जो बजट है वो हमने 5.5 से उसको बढ़ा के 7% ऑफ द बजट टारगेट कर दिया, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू लर्न। इन 2007 व्हाट वी हैव सीन, अचीव जीरो लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ HIV एंड एड्स केसेस, एक्सपेंशन नहीं होने दिया, एलिमिनेट किया हमने कालाजार को, रिड्यूस किया मोर्टिलिटी बाई 50% ऑन अकाउंट ऑफ TB, 50% हमने मोर्टिलिटी कम किया किसके अकाउंट पे, TB मलेरिया एंड अदर वेक्टर बॉर्न डिजीज एंड वाटर बॉर्न डिजीज के हिसाब से। IMR को रिड्यूस किया 30 पर 1000 लाइफ बर्थ पे, मेटल मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस किया 100 पर लाख लाइफ बर्थ पे, इंक्रीज यूटिलाइजेशन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी फ्रॉम करंट लेवल, लेस देन 20% जो था पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी लोग यूज कर रहे थे उसको हमने इंक्रीज किया टू अप टू 75%, ठीक है। 2015 में हमने क्या किया, एलिमिनेट किया लिम्फेटिक फिलेरियासिस को। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, कोई भी पॉलिसी बनता है तो उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ हम देखते हैं, क्या क्या पॉइंट फोकस आता है, ये हम इसलिए बात कर रहे हैं आज इस सिनेरियो का क्योंकि ये आपको होल थ्रू द कम्युनिटी मेडिसिन आपको काम आने वाला है इफ यू आर गोइंग थ्रू प्रिसाइजली व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। सो फाइनली हम देखते क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स के ऊपर बात होती है, इक्विटी के बारे में देखते हैं कि भैया इक्वल है कि नहीं हर जगह, डिलीवरी ऑफ नेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हो रहा है कि नहीं बराबर, स्टेट जो है पब्लिक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्टेट के पब्लिक हेल्थ का मतलब कि उसके अंदर जो सर्विसमैन काम कर रहे हैं, जो थ्री टायर सिस्टम में पब्लिक काम कर रही है वो बराबर काम कर रही है कि नहीं, रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नीड फॉर स्पेशलिस्ट इन पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली मेडिसिन, एंड लास्ट क्या होता है नर्सिंग पर्सनल, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मेन जो हमारा अलग कैटेगराइजेशन होता है, यूज ऑफ जेनरिक ड्रग एंड वैक्सीन, क्योंकि कुछ चीज़ें ड्रग्स जो बहुत महंगी आती हैं अच्छी कंपनियों के, उसके जेनरिक फार्मेसी नेम्स पे हम भी यूज कर सकते हैं ड्रग्स को। अर्बन हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी भी खास पर्टिकुलर एरियाज के बारे में। IEC क्या होगा, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म करेंगे एजुकेट करेंगे कैसे कम्युनिकेट करके। हेल्थ रिसर्च के बारे में देखेंगे, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर के बारे में देखेंगे, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी के बारे में देखेंगे, जो आपकी सोसाइटी सिविल सोसाइटी में क्या रोल है, नेशनल सर्वेलेंस वर्क नेटवर्क देखेंगे, हेल्थ स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे,
एंड वुमेन हेल्थ को हम लोग प्रायोरिटाइज एंड फोकस करेंगे. सो दीज आर अ थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. इसके अलावा मेडिकल एथिक्स आपका मोर इम्पॉर्टेंट रहेगा. इन्फोर्समेंट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ फूड एंड ड्रग, जो खाना आप पहले ले रहे थे जो अनहाइजीनिक था आपके लिए, उसको आपने हाइजीनिकली प्रूवन किया, उसको स्टैंडर्ड को बढ़ाया आपने, एक लेवल दिया ताकि लोग कम बीमार पड़े. रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन पैरामेडिकल डिसिप्लिन्स, एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू यूजर्स फ्रॉम ओवरसीज, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन हेल्थ सेक्टर, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपने अपने आप को डिस्कस करके देखा. सो होपफुली ये जो हमने बात की पूरी टॉपिक के बारे में, ये था आपका पब्लिक हेल्थ पॉलिसी जो कि 1983 के कंपैरिजन में 2002 को हमने देखा था. तो आई गेस मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे. इफ नहीं सो प्लीज मेक श्योर टू राइट डाउन इन द कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो. टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय. प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस बाय लाइकिंग योर एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू, बाय बाय.